Hello, my dear students. Welcome to the computer class. Today we have to see in our third chapter, application of the computer. See, can you name a place where computer are used? See, ये computer ये child को पूछ रहा है, ऐसी कोई place है जहाँ पे computer use होता है? तो कहाँ पे? स्कूल पे. यस, कंप्यूटर आर यूज इन स्कूल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बैंक, हॉस्पिटल एंड ऑफिस, राइट? तो नावर डेज कंप्यूटर आर यूज इन मोस्ट ऑफ ऑल द फील्ड. सो वी हैव सीन दिस यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन डिटेल. चलो, अभी कहाँ पे यूज़ होता है? तो स्कूल पे. कैसे यूज़ होता है स्कूल पे? तो कंप्यूटर आर यूज्ड इन स्कूल इन मेनी वेज. मेक अ टाइम टेबल. बच्चों का टाइम टेबल होता है ना, वो किस में बनता है? कंप्यूटर में. फिर रिसेप्शन एरिया में, राइट, के कंप्यूटर का कुछ सारी, कंप्यूटर में स्टूडेंट्स की सारी डिटेल, कब उसने ज्वाइन किया, कौन से स्टैंडर्ड में है, कितने मार्क्स आए, एवरी डिटेल ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी स्टोर इन द कंप्यूटर, राइट. एंड फी कलेक्शन. फी कलेक्शन के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ होता है. उसमें सारी डिटेल रखते हैं, कितने स्टूडेंट के फीस आए, कितने की बाकी है, राइट. फिर अनदर यूज इज राइट अ सर्क्यूलर. कोई सर्क्यूलर पास करना है, है? तो उसके लिए कंप्यूटर का यूज़ होता है कि वेकेशन कितने दिनों से कितने दिन तक है, तो वो सर्क्यूलर कंप्यूटर में टाइप होता है, राइट. तो इस तरह से स्कूल में कंप्यूटर का यूजेस होता है. क्या? बच्चों का टाइम टेबल बनाने के लिए, फी की डिटेल रखने के लिए, स्टूडेंट की डिटेल रखने के लिए, कोई सर्कुलर पास करना है तो उसके लिए कंप्यूटर का यूज़ होता है. अनदर एरिया इज रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट, ओके, वहाँ पे भी कंप्यूटर का यूज़ होता है. तो क्या यूज़ होता है? तो कंप्यूटर आर यूज टू बुक टिकट, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग ऑफ ट्रेन एंड एरोप्लेन, राइट. तो आपको कोई ट्रेन की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कितने बजे ट्रेन आने वाले, उसका टाइमिंग क्या है, कौन से बजे वो आती है, कौन से बजे वो नेक्स्ट स्टेशन पे आपको पहुंचाएगी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए प्लेन की या ट्रेन की, तो वो आपको कंप्यूटर में मिलती है. और टिकट बुक करने के लिए, आपको टिकट बुक करनी है तो उसके लिए भी कंप्यूटर यूज़ होता है. तो ये दो चीज़ों के लिए रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे कंप्यूटर का यूज़ होता है, राइट. नाउ नेक्स्ट एरिया इज मेकिंग फिल्म्स. कंप्यूटर आर यूज टू मेक अ कार्टून फिल्म्स. सी, आप सभी लोगों ने जुरासिक पार्क देखी होगी ना? यस, तो वो डायनासोर है, मूवी में डायनासोर दिखाई देता है ना, तो वो डायनासोर तो क्या बहुत ज़्यादा टाइम पहले थे ना, तो वो डायनासोर का पिक्चर्स, वो एडिटिंग करना, वो सब कुछ किस में? कंप्यूटर में बनते हैं. आज जो भी फिल्म आती है वो सारी फिल्म कंप्यूटर के यूज़ करके ही बनाई जाती है, उसके अलावा वो पॉसिबल ही नहीं है. सारी इफेक्ट देना, 3D में कार्टून दिखाना, एवरीथिंग will be make using the computer. Another one is bank. तो bank में कैसे use होता है? तो in a bank, computer are used to keep the details of customers' bank account. Customer का जो account है bank में, वो account की सारी details है वो computer में रहती है, right? कस्टमर के अकाउंट की सारी डिटेल्स. और ATM, तो ATM भी वन टाइप ऑफ कंप्यूटर ही है, उसमें से आपको पैसे लेने हैं तो
ले सकते हैं, नहीं? एंड एटीएम, तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम और एन ऑटोमेटेड टेलर मशीन हैज कंप्यूटर दैट हेल्प अस टेक आउट मनी फ्रॉम आवर अकाउंट। आपके अकाउंट में से आपको पैसे निकलवाने हैं तो एटीएम मशीन में से आप निकाल सकते हैं, है? तो ऐसे उसमें भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। नेक्स्ट एरिया इज हॉस्पिटल, तो इन हॉस्पिटल कंप्यूटर आर यूज टू कीप द डिटेल ऑफ पेशेंट्स। समटाइम्स कंप्यूटर्स हेल्प डॉक्टर फाइंड आउट मोर अबाउट अ पेशेंट्स इलनेस, है? हॉस्पिटल में क्या, एक तो सारे जो पेशेंट है उसकी डिटेल रखने के लिए यूज होता है, और दूसरा क्या कि डॉक्टर को वो हेल्प करता है कि पेशेंट कितने बीमारी कौन सी है, कौन से लेवल तक है, उसका सॉल्यूशन क्या है, तो उसमें भी कंप्यूटर यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट वन ऑफिस, तो कंप्यूटर आर यूज टू स्टोर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। दिस इंफॉर्मेशन वुड अदरवाइज बी स्टोर इन बल्की फाइल which occupy a lot of space. Computer are also used to send and receive electronic mail, also known as a email. See, अभी आपको ऑफिस में तो मोस्टली क्या बहुत सारा डेटा होता है, राइट? अभी वो डेटा आप फाइल में स्टोर करोगे तो क्या होगा कि वो बहुत सारी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और आपको वो फाइंड करने में उसमें प्रॉब्लम होगा। तो ऑफिस में क्या होता है कि आप कंप्यूटर में वो सारी डिटेल स्टोर कर दोगे तो एक हार्ड डिस्क होगी, उसी में सारा डेटा आ जाएगा, तो वो स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करेगा और उसमें से फाइंड करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कंप्यूटर है वो ऑफिस में डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। अनदर यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन ऑफिस इज सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल। आपको कोई अपने कस्टमर से बात करनी है तो ईमेल थ्रू आप बात कर सकते हैं, राइट? वैसे तो फ़ोन में भी बातें होती है बट आप ईमेल से बात करोगे ना तो वो एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट हो जाता है कि वो एक कन्वर्सेशन है, वो स्टोर होता है और उसे प्रोफेशनली काउंट करते हैं। तो ईमेल से ही आपको कुछ परचेज करना है या सेल करना है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डिज़ाइन, है? तो पीपल यूजेस कंप्यूटर टू डिज़ाइन थिंग्स लाइक क्लोथिस बिल्डिंग कार्स एंड एरोप्लेन। सी, क्लोथिस का डिज़ाइनिंग करना है तो उसके लिए भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। फिर इंजीनियर है उसको बिल्डिंग की डिज़ाइनिंग करनी है, कार की डिज़ाइनिंग करनी है, ऐसे कोई भी डिज़ाइनिंग वर्क करना है तो उसके लिए भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। नाउ स्टडिंग स्पेस, कंप्यूटर हेल्प्स इन सेंडिंग रॉकेट्स इनटू स्पेस। दे आल्सो हेल्प इन गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेस, राइट? स्पेस में आपको स्पेस में कोई रॉकेट भेजना है तो वो कंप्यूटर के बिना पॉसिबल ही नहीं है, कंप्यूटर के यूज से ही आप उसको सेंड कर सकते हैं और उसके रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो भी कंप्यूटर से ही मिलेगी, राइट? मेकिंग बुक, आपको एक बुक बनानी है तो उसके लिए भी कंप्यूटर का यूज होता है। कंप्यूटर हेल्प पब्लिशर टू डिज़ाइन एंड क्रिएट अ बुक। दिस बुक इज ऑल्सो डिज़ाइन विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर, है? कि पब्लिशर है उसको डिज़ाइन करनी है बुक उसको, तो उसके लिए कंप्यूटर का यूज़ होता है। देखो, नाउ नेक्स्ट वन इज अ कंप्यूटर मैनर्स, क्या है? आपको देखो ऐसे इतना पास में कंप्यूटर के पास नहीं बैठना चाहिए, उसको आपके आईज को प्रॉब्लम होगा, बट वन हैंड डिस्टेंस रख के कंप्यूटर के सामने बैठना चाहिए। नाउ
in this video we have seen the application of the computer, right? Today mostly all the field uses the computer. कंप्यूटर के बिना ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है कि जहाँ पे हम वर्क कर सके. वी हैव टू सीन द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.